अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इशफाक शाह, क्रिकेट की एक और न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनस खान का कहना है कि सब टीमें भरपूर मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि लाहौर क्लंदर्स टाइटल जीते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट के मुतालिक हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए साबिक कप्तान ने कहा है कि 20 फरवरी से शुरू होने वाले PSL 5 में तमाम टीमें अच्छी हैं। लीग का पहली बार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद होना खुश आयद है। सब टीमें भरपूर मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर टाइटल जीते। यूनस खान ने PCB को एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। PCB को मालूम नहीं कि इसे क्या करना है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में हरीफ टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर एतमाद और मैच्योर खेल का मुजाहरा किया। साबिक कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को खेल ही नहीं भरपूर ज़िंदगी भी सिखाने की ज़रूरत है। भारत की कामयाबी की वजह से तमाम पाकिस्तानियों को दुख हुआ। भारत की कामयाबी की वजह उसके खिलाड़ियों का एतमाद था। हमारी उभरते हुए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे करने चाहिए, इनके मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएँ। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह नेगबान।